ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। एशिया का सबसे बड़ा टनल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टनल, मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, हर जम्मू कश्मीर नागरिक के लिए। और विशेषकर मुझे इस बात का भी संतोष होता है कि उधमपुर में हमारे सांसदीय क्षेत्र में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसका लोकार्पण करेंगे 2 अप्रैल को। और ये प्रमाणित करता है कि पिछले 2-2.5-3 वर्षों में किस प्रकार इस सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विशेष चिंता की है, जम्मू कश्मीर को विशेष प्राथमिकता दी है, समय समय पर स्पेशल पैकेजेस, सड़कों पुलों को लेकर के और अन्य हर क्षेत्र में प्रगति के कार्यों को, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी उधमपुर का जहां तक संबंध है, पिछले 2 मास के भीतर ही वहां एक नया पासपोर्ट केंद्र खुला है, एक नए रेडियो स्टेशन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, और वहां हमारे यहां एक आस्था की नदी है, देविका नदी, जिसे गंगा मैया की बड़ी बहन माना जाता है, उसकी स्वच्छता और सफाई का कार्य पिछले 70 वर्षों से रुका था। मोदी सरकार के हस्तक्षेप से 170 करोड़ और 50 लाख रुपए की मंजूरी की गई है उसके सफाई कार्य के लिए, और बच्चों के स्टेडियम के लिए 10 करोड़। तो ये सब कुछ इतनी तेज गति से एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हुआ है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार मोदी सरकार को चिंता भी और प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कोई इसका विरोध करता है तो निश्चय ही वो अपने आप को बेनकाब करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो उस प्रदेश की तरक्की, उसकी प्रगति के पक्ष में नहीं है,